बिखरा बदमाशों का, तो भरसक पुलिस उन तक जल्द ही पहुंच पाएगी। अब आपको बड़ी खबर बताते हैं, क्योंकि बाढ़, बारिश और तबाही किस तरह से वहां पर मंजर है। मॉनसून ने दस्तक दे दिया है। प्रदेश के 28 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश की संभावना है, यानी कि दौसा, करौली, ये दक्षिण पूर्वी में आते हैं जहां पर इनकी भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश में इस बार बारिश ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। रेगिस्तान में पूरे सीजन में औसतन से दुगना बारिश हुआ है। जैसलमेर जिले की अगर हम बात करें तो 339.85% ज्यादा बारिश हुई। दौसा, करौली, टोंक में 1000 mm से ज्यादा बारिश हुई। अभी सितंबर के 3 सप्ताह की बारिश होना बाकी है, लेकिन रेगिस्तान कहे जाने वाले वहां राजस्थान में इस तरह से बारिश की तबाही का मंजर हमने दिखाया भी, देखा भी। औसतन 49 सालों में बताया जा रहा है कि इस बार, चाहे वो दक्षिण पूर्वी की बात कर ले आप, या फिर दौसा, करौली, टोंक की बात कर लीजिए, या फिर आप जैसलमेर जिले की बात कर लीजिए, कल जयपुर के सड़कों की अगर हम बात कर लें, अजमेर रोड की हम बात कर रहे थे जहां पर पानी भर गया था, तो आप राजस्थान के ऑलमोस्ट जिलों की अगर हम बात कर लें तो वहां पर 49 सालों में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिली है। और अभी भी 3 सीजन, यानी कि अभी भी 3 सप्ताह बारिश के आसार ऐसे ही रहने बताए जा रहे हैं। तो रेगिस्तान में औसतन अपने से ज्यादा दुगना बारिश देखने को मिली। जिस तरह रेगिस्तान में बारिश हुई है, चाहे वो जैसलमेर की बात करें, 139.85% ज्यादा बारिश। दौसा, करौली, टोंक में अगर मैं देखा, 1000 mm से ज्यादा बारिश हुई। सितंबर के अभी 3 सप्ताह की बारिश होना और बाकी है, तो किस तरह से वहां पर मंजर होगा ये भी बताना मुश्किल है। दीपक और अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक हमारे साथ भरतपुर से जुड़े हैं, तो सबसे पहले हम भरतपुर ही रुक कर लेते हैं। दीपक, 49 सालों में माना जा रहा है रेगिस्तान वाले राजस्थान में अपने औसतन से ज्यादा बारिश हुई, और अभी भी 3 सप्ताह बारिश का और होना बाकी है। भरतपुर के हाल क्या है अभी दीपक? देखिए, भरतपुर के हालातों की बात की जाए तो पहली बार इस तरह के हालात भरतपुर में नजर आ रहे हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। चाहे वो भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध बारेटा हो, चाहे फिर करौली के पांचना से छोड़ा गया पानी हो, भरतपुर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग जो है वो पूरी तरह से त्रस्त नजर आ रहे हैं और लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में भरतपुर जिले के सबसे बड़े बांध बारेटा से पानी के जो गेट हैं वो खोल करके निकासी की जा रही है, और सबसे ज़्यादा गांव जो प्रभावित है वो करीब 1 दर्जन के लगभग गांव प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा गांव प्रभावित है वो पुरावाई खेड़ा गाँव है, जहाँ मैं अभी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। ट्रैक्टर में सवार होकर के हम गांव में पहुंचे, क्योंकि 3 से 4 फीट गांव में पानी भरा हुआ है। आप देखिए तस्वीरें, ये लोग हैं गांव के और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। यानी कि आप तस्वीरें देखिए, ये गांव का नजारा है जहां 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। लोग परेशान हैं, पशुओं के लिए चारा नहीं ला पा रहे हैं, खुद के खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही कि लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासन कब आए और हमारी मदद करे। लोगों से जानते हैं कि किस तरह के हालात हैं आपके गांव में, किस तरह के। लेकिन प्रशासन की गलती है, पहले हमारे मतलब ये 27 फुट पर ही छोड़ देते थे पानी बारने के बंद को, लेकिन आपके क्या 29 जब आए तो वो 15 फुट एकदम छोड़ दिया है। ये बहुत ही गलती किया है प्रशासन ने, फसल गर गई। एक एक मतलब ये कब चारा नहीं है ना, बड़ी स्थिति है। गाँव के घरों में इतना पानी भर चुका है, गाँव के घरों में इतना पानी भर चुका है, चारों तरफ से रास्ता अवरुद्ध हो गए हैं और गाँव के अंदर घरों में 4-4 फीट पानी हो चुका है। और ठीक है, दीपक ने दिखाया कि भरतपुर में किस तरह ट्रैक्टर के क्या सहारा लेकर वो चले, लेकिन अजमेर से हमारे साथ अशोक भी जुड़ चुके हैं। अशोक, अजमेर के हालात कैसे हैं वहां पर, क्योंकि अभी भी 3 सप्ताह की बारिश होना और बाकी है, और अजमेर के हालातों का जायजा आपने हर दिन दिखाया भी है। जब वहां पानी बरस जाता है, पानी भर जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अभी क्या? जी बिल्कुल, अभी जब हम हैं फाइसागर का जो फ्लो है वहां पर मौजूद हैं। ये फाइसागर के जो फ्लो के बाद डिफेंस कॉलोनी आती है उसका नजारा है। कल से जो है बारिश नहीं हुई है, जिससे थोड़ी सी राहत है। राहत के बाद भी आपको तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। ये जो मकान है, यहाँ के 5-7 जो 10 मकान हैं उनको खाली करा दिया गया था, और काफी जो लोग हैं वो परेशान हैं। यहाँ पर जो है 3 से 4 फीट पानी जो है भर जाता है और घरों तक पानी पहुंच जाता है, तो ऐसे में स्थानीय जो लोग हैं वो परेशान हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। यहां पर एक पुलिया थी, वो भी पहले टूट गई थी, ये दूसरी पुलिया है जो सैकड़ों लोगों के लिए एक मात्र पुलिया बची है जिससे आना जाना हो सकता है। तो इस पुलिया के ऊपर ही हम खड़े हैं, काफी लोग हमारे साथ हैं। इसकी भी स्थिति जो है वो ज्यादा ठीक नहीं है। आप देखेंगे किस तरह से जो बारिश का पानी है
जो फैसागर झील से होते हुए शहर की ओर जा रहा है, और ऐसे में अगर बारिश और हो जाती है तो नुकसान यहाँ पर और ज्यादा हो सकता है। इसका जो नुकसान है वो शहर के लोगों को होगा। इससे पहले जो है यहाँ के डिफेंस कॉलोनी के लोग हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की परेशानी है और क्या स्थिति जब बारिश होती है तब यहाँ बनती है। यहाँ बारिश होती है भाई साहब, वहीं बहुत परेशानी होती है। कॉलोनी के लोग डरे हुए हैं, यहाँ पे कोई घर तो खाली करके चले गए। अभी आप सामने देख सकते हो ये भी घर है, इनको हमने खींच खींच के बाहर निकाला और बहुत परेशान है हम तो। रातों को नींद नहीं आ रही, रातों को हम जग जग के बाहर आ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे कि पानी कितना आया, ज़्यादा तो नहीं आ गया। रातों की हमारी नींद हराम हो गई है और कोई कुछ कर नहीं रहा है यहाँ पे। तो रातों की नींद हराम होना वाजिब है क्योंकि 27 फीट जो है फैसागर झील का गेज है और उससे एक फीट ऊपर वो पानी चल रहा है, तो यहाँ पर जो पानी की आवक है वो लगातार बढ़ी हुई है। और भी कुछ लोग हैं, क्या स्थिति बनती है जब पानी ज्यादा आता है? बहुत खराब स्थिति बनी हुई है, डर डर के चलना पड़ता है। रात को पूरी रात सोए नहीं है, बता रहे हैं पूर्ण पानी आने की संभावना है, पूरी रात नींद नहीं है अभी तक, ऐसी हाल तक। अभी पूरी कॉलोनी खाली हो चुकी है, पीछे से अपने अपने दूसरी जगह लेके गए, इनको भी प्रभाव क्षेत्र है, उसकी पूरी कॉलोनी खाली हो गई है। आपका मकान आसपास में ही है? मेरा सामने ही है मेरा मकान, यहाँ पे पूरा बता रहे कि वो पानी डैमेज हो चुका है। तो रात को पूरी रात हम जाग रहे थे, बच्चों को, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हमारे, हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है यहाँ पे। महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे कोशिश करते हैं क्या स्थिति है जब बारिश बनती है। आपने जब मकान लिया होगा जब क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? सर, हमने हमारे पैसे देकर ये पुलिया बनवाई थी, पुलिया बनवाई तब जाकर हमने हमारी सुविधा के अनुसार यहाँ से ये पुलिया बनाई गई है, वो भी आज टूटने के कगार पे है। और सरकार अभी तक नहीं उठी है, सरकार अभी भी सो रही है। कल पानी यहाँ यहाँ तक था, हम डर डर कर जी रहे थे और कल हमारी कॉलोनी में कोई नहीं सोया है, पूरी रात हम जागे हैं यही डर में कि वो बांध ना फूट जाए और हमारे ऊपर पानी ना आ जाए। हमारे बच्चे स्कूल में इतने इतने पानी में से आए हैं और हम बच्चों को हमारे घरों सुरक्षित पहुँचा कर आए, फिर भी सरकार अभी तक हमारे ऊपर कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं कर रही है, अभी तक वो सो रही है। जब हमारे वोट लेने का टाइम आता है तब वो उठती है, उसके बाद में वोट लेके वापस सो जाती है। और अब हम जब हम परेशानी में तब आप कहाँ हैं? हम अभी इतनी दहशत है इनके अंदर, इतनी दहशत है सर जिसकी कोई हद ही नहीं है। हम रात को नींदे नहीं कर रहे हैं, बस यही कहना चाहूंगा। तो रात को नींद नहीं आ रही है, जो पानी का बहाव है अभी सूचना मिल रही है कि बांध का पानी और खोला जा सकता है क्योंकि बहाव क्षेत्र जो है लगातार बढ़ रहा है, बारिश आ जाती है तो और स्थिति खराब हो सकती है। जी सर, अगर बांध खुला तो ये पूरा एरिया डूबेगा, कोई बचेगा नहीं, इसलिए जल्द से जल्द सुनवाई हो, मेरा यही कहना रहेगा बस। अशोक, ये सारी ही सबकी ही वहाँ पर जितने लोग हैं सबकी ही ये आश भी है सरकार से कि सरकार और प्रशासन कुछ करे, वहाँ पर जल भराव जैसी स्थिति है उनसे उनको निजात दिलाए क्योंकि बारिश धीरे धीरे अभी और बढ़ने वाली है, अभी मॉनसून हटा नहीं है और इस बीच में जो उनका डर है जिससे वो सहमे हैं उससे उनको निजात दिला जाए। और अभी आपको टीवी स्क्रीन पर 9 तस्वीरें दिख रही हैं, ये 9 तस्वीरें राजस्थान के अलग अलग जिलों की हैं, चाहे वो अजमेर हो या फिर राजसमंद, धौलपुर हो या जयपुर, भीलवाड़ा की बात कर लीजिए, टोंक की बात कर लीजिए, बूंदी की बात कर लीजिए, दौसा की बात कर लीजिए, भरतपुर की बात कर लीजिए, हर जगह 9 तस्वीरों में आपको सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये मंजर रेगिस्तान जैसे राजस्थान का है जहां मॉनसून एक बार फिर दस्तक दे चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ निरीक्षण करने के लिए गुजरते हैं उसके बाद भी क्या प्रशासन नहीं उठता है? भरतपुर हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, आपको तस्वीरें हमने दिखाई, ये मंजर है बारिश के बाद का जहां पर ना स्टोरेज की व्यवस्था है पानी के, ना पानी निकासी का कोई द्वार खुला हुआ है और ना इधर कोई ध्यान है। भरतपुर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं क्योंकि दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक ट्रैक्टर से पहुंचे हुए हैं, कुछ लोग उनके साथ हैं और चारों तरफ पानी से सराबोर है जहां पर दीपक है। जी दीपक, देखिए बिल्कुल, मैं ट्रैक्टर से सवार होकर के गांव में पहुंचा हूं और लगातार गांव के हालात को दिखाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और आप देखिए कि किस तरह से जो पानी का तेज बहाव है वो गांव से होकर के निकल रहा है और ये घर है जहां पर पानी भरा हुआ है, चारों तरफ पानी पानी नजर आया। सामने देखिए जो लोग हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि पानी घर में भर चुका है और इसके कारण उनको परेशानी हो रही है।
करीब 4 से 5 फीट से अधिक जो है वो यहाँ पर पानी है, फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। लोग यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे, किस तरह के हालात है यहाँ पर। गांव की स्थिति ऐसी है, चारों तरफ से टापू बना हुआ है, आवागमन के रास्ते रोक दिए गए हैं, आने निकासी के लिए कोई साधन नहीं है। फसल देखो बाजरे की बिल्कुल चौपट हो चुकी है। प्रशासन से हमने कई बार गुहार किया है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। और बंदवारेठा बांध से पहले ही अगर पानी छोड़ दिया जाता तो आज ये स्थिति हमें कोई देखने को नहीं मिलती। फसल की किसान फसल बिल्कुल चौपट हो चुकी है, किसान परेशान है। और पार के लिए हमने प्रशासन से कई बार गुहार लगाई है, लेकिन पार का कोई आज तक प्रबंध नहीं किया गया है। हम अनुरोध करते हैं कि नदी की पार बनाई जाए, जिससे पुलिया की, और पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, इस पुलिया का भी पुनः निर्माण करवाया जाए। आवागमन बंद हो गया है, इसलिए गाँव की बहुत भयावह स्थिति है। बिल्कुल हालात ऐसे है। इधर देखिए फसल देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से जलमग्न नजर हो गई है। आपको जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक पानी ही पानी नजर आएगा, क्योंकि पानी का तेज बहाव इतना है कि चारों तरफ पानी जो है वो गांव के चारों तरफ भर चुका है। और ऐसे में लोग पूरी तरह परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमें पहले कोई सूचना नहीं दी गई, जिसके कारण इस तरह के जो हालात हैं वो देखने को मिले। आप देखिए घर है जो वो सामने, उसमें पानी भर चुका है। और हम खुद ट्रैक्टर में सवार होकर के ये जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं, क्योंकि गाँव में जाना मुश्किल हो रहा है। 4 से 5 फीट गाँव में पानी भरा हुआ है। क्या अभी भी बारिश हो रही है? परेशान हो रहे हैं जी। अभी भी बारिश हो रही है क्या? देखिए अभी बारिश थमी हुई है, लेकिन सुबह से ही लगातार बारिश का दौर जारी था, लेकिन अब थोड़ी राहत मिली है। लेकिन बांध बारेठा बांध से जो पानी छोड़ा गया है वो लगातार गांव में बढ़ रहा है, और उसकी जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और ऐसे में गांव के लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन दीपक ये बताइए कि बांध बारेठा से जो भी पानी छोड़ा गया है उसके लिए ये बोला जा रहा था कि प्रशासन उसके लिए मैनेजमेंट अच्छे से की हुई है, ताकि आसपास के जो गांव हैं, आसपास के जो इलाके हैं, उनमें उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े, फसलें ना बर्बाद हो। तो इसका मतलब कि वो सिर्फ बातें ही थी, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। देखिए बिल्कुल सिर्फ वो बातें थी, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। अगर जो नदी है कुकंद नदी, जिसमें बारेठा का पानी छोड़ा जाता है, उसकी मरम्मत कराई जाती या फिर उसको व्यवस्थित तरीके से मैनेजमेंट किया जाता पानी निकासी का, तो ये जो हालात हैं आज देखने को मिल रहे हैं वो देखने को नहीं मिलते। यानी कि सबसे बड़ी जो परेशानी है वो अब ये इसलिए हो रही है क्योंकि जो मैनेजमेंट है, पहले जो वादे किए गए थे उनको पूरा नहीं किया गया, और उसके कारण जो पानी है वो अब गांव में भरा हुआ है। ठीक है दीपक, एक छोटा सा सवाल और बताइएगा, जिस गाँव में है कितने घर होंगे, और क्या सभी लोग अपने घर को खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं? देखिए ये पुराबाई खेड़ा गांव है जहाँ करीब 400 से 500 घर है, और करीब 400 के घर ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से इस पानी से प्रभावित हो गए हैं। यानी कि वो बीच में जो 10 घर है वहाँ पर पानी नहीं पहुँचा है, वहाँ जाकर के अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और हालातों का जायजा देने के लिए कि आखिरकार भरतपुर में क्या है बारिश के बाद के हालात। अब चलिए सीधे बात दौसा जिले की, जहां पर नालाबास गांव में ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही एक कच्चा बांध तैयार किया था, लेकिन क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण नालाबास का यह कच्चा बांध टूट गया। मोरयाल नदी के किनारे बसे नालाबास गांव में इस बांध को ग्रामीणों ने तैयार किया था। शनिवार को यह बांध लबालब हो चुका था और इस बांध पर उपरा चल रही थी, जिसका अवलोकन करने के लिए विधायक रामविलास मीणा अपने कार्यकर्ता की पीठ पर बैठकर बांध की पाल पर पहुंचे थे। लेकिन आज सुबह ग्रामीण के द्वारा तैयार किया गया यह कच्चा बांध टूट गया। जैसे ही बांध टूटा तो बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। इधर इस कच्चे बांध के टूटे जाने के कारण पानी वापस मोरयाल नदी में चला गया, जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह जो विधायक है वो एक शख्स के ऊपर कंधे पे लद कर उसके वो जाते हैं, और लेकिन रामविलास मीणा की हम बात कर रहे हैं जो अपने कार्यकर्ता की पीठ पर बैठकर पाल की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन जो ग्रामीणों की मदद से जो बांध बनाया गया था, पानी की आवक ज़्यादा हुई, जो बहाव था वो तेज़ हो गया और वो टूट गया। जैसे ही वो टूटा, वो तस्वीरें भी दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे, जो बांध गांव के द्वारा निर्माण किया गया था वो जब टूटा उसके बाद से ग्रामीणों का जो भय था वो एक बार फिर से खड़ा हो गया। जो उनके मन में जो सवाल थे
कि कैसे अब होगा, कैसे इससे निजात पाएंगे, जो फसलें बर्बाद होंगी अपने आंखों के सामने किसान कैसे जिस मेहनत से जो फसल बोता है और उसके उगने तक का वो उम्मीद जताता है अपने आंखों के सामने, उसको बहता हुआ उसके दिल पर कैसे क्या गुजर रही होगी, वो मंजर आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए अब आगे खबरों में बढ़ते हुए भरतपुर से फिर से ये खबर है, जहां बाराठा बांध में लगातार हो रही पानी की आवक के बाद बांध के 3 गेट खोल दिए गए। ऑफ नदी पानी की निकासी की जा रही थी, जिसकी वजह से कई गांव प्रभावित हो चुके और कई से संपर्क भी टूट चुका। इतना ही नहीं, पुरवा बाई खेड़ा गांव में बाढ़ आ चुकी है, घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भी भर चुका है, जिस तरह तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। में घरों में पानी करीबन 4 फीट अंदर आ जा चुका है और खेतों में जो फसल है वो करीबन हजारों बीघा फसल खराब हो चुकी है। इसलिए गांव प्राविकरण में कोई प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है और ये अगर पानी धीरे धीरे खुल जाता तो इतना नुकसान नहीं होता। गांव के अंदर काफ़ी घरों में करीबन आर पार गाँव के 4 फीट पानी अंदर गाँव प्राविकरण में अंदर घुस चुका है और ये बाजरे की जो फसल है ये करीबन सभी पूरी 100% फसल खराब हो चुकी है। पानी की इतनी बड़ी आवक है और भरतपुर की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि बयाना उपखंड के पुरबा बाईखेड़ा गांव में चारों तरफ पानी भर गया है, गांव का रास्ता तक बंद हो चुका है, बांध बैराठा के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। इस बीच गांव के लोगों का पुलिया पर लापरवाही से नहाते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। गाँव के लोग लापरवाही से पानी में मस्ती करते नजर आ रहे हैं, जबकि गाँव में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। गाँव के आबादी वाले इलाकों तक में घरों में 3 से 4 फीट तक पानी पहुंच चुका है। तो दो तस्वीरें हैं, एक तरफ आप देख सकते हैं कि गांव के लोग, गांव के बच्चे, क्योंकि चारों तरफ पानी है, पानी ऐसी चीज ही है बरसात जिसमें नहाने का मन करता है बच्चों का, तो उसको वो एंजॉय भी कह सकते हैं, मस्ती भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये चिंता का सबब भी है, क्योंकि गांव में घरों में पानी 3 से 4 फीट हो गया है, अब वो कैसे रहेंगे उसके लिए वो पलायन भी कर रहे हैं। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, धौलपुर में नदी में डूबने से 4 लड़की डूबी है। ऋषि पंचमी पर नदी में नहाने गई थी चारों। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। सूचना पर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। मनिया थाना क्षेत्र के बोधपुरा गांव की पूरी घटना है। तो चारों लड़कियां नहाने के लिए गई थी लेकिन वो डूब गई। धौलपुर में नदी में डूबी है 4 लड़कियां, एसडीआरएफ की टीम को सूचित कर दिया गया है, फौरन यहां पर पहुंचेगी। ज्यादा जानकारी के साथ हरिवीर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर कनेक्ट है। हाल ही 4 लड़कियां नहाने के लिए गईं लेकिन नदी में डूब गईं, अभी क्या वहां से जानकारी? मैं बताना चाहूंगा कि आज जो ऋषि पंचमी का जो पर्व है उसको नहाने के लिए जो गांव की लड़कियां थी वो बड़ी संख्या में करीब दर्जन भर लड़कियां थी वो नहाने के लिए गई थी, जिनमें से 4 लड़कियां थी वो गहरे पानी में चली गई और वो डूब गई। डूबने के बाद में अन्य जो लड़कियां थी उन्होंने शोर मचाना शुरू किया तो वहां पर ग्रामीण पहुंचे और ग्रामीण ने उन्हें बचाने की उसमें से निकालने की कोशिश की लेकिन नहीं निकाल पाए, तो पुलिस एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी है। पुलिस मौके पर पहुंची है और लड़कियों की नदी में तलाश की जा रही है। ये जो सभी लड़कियां थी ऋषि पंचमी पर नहाने के लिए गई थी, ये जो पूरा मामला है वो बोधपुरा गांव का ये मामला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और रुकते हैं।